जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन गुरु पे। लास्ट टाइम हमने एक वीडियो बनाया था आपके लिए, जिसके अंदर हमने आपको बताया था कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब की वेरिफिकेशन किस तरीके से होती है। तो हमें कई स्टूडेंट्स ने कमेंट करके पूछा कि सर एक प्राइवेट कंपनीज का वीडियो भी मैं आपको बना दूं कि प्राइवेट कंपनीज कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करती है। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ में, पूरा प्रोसेस हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए एक प्राइवेट कंपनी का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं आपके सामने। IBM को हम एक प्राइवेट कंपनी मान लेते हैं या फिर एक MNC कंपनी मान लेते हैं। तो अब इसके एम्प्लॉयज हैं, मान लीजिए अंदाजा हम आपको दे रहे हैं कि इसके 2000 एम्प्लॉय हैं। ये है कंपनी का HR डिपार्टमेंट, ठीक है माय फ्रेंड्स? यहां तक आपको समझ में आ गया? अब इन 2000 एम्प्लॉय कि टेक केयर का जिम्मा किसका है? HR डिपार्टमेंट का। जो भी इनके लिए सुख सुविधा, वेरिफिकेशन, खाना पीना, कैब जो अरेंज करेगा वो डिपार्टमेंट होता है HR डिपार्टमेंट। HR डिपार्टमेंट की ही जिम्मेदारी होती है किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय की वेरिफिकेशन करवानी। अब एक अंदाजा लीजिए, अब 2000 एम्प्लॉय हैं, 2000 एम्प्लॉय के अंदर कोई स्टूडेंट बिहार से पढ़ा होगा, कोई चंडीगढ़ से पढ़ा होगा, कोई केरला से पढ़ा होगा, कोई मद्रास से पढ़ा होगा। तो पूरे इंडिया से, पूरे पैन इंडिया से इसके अंदर जो एम्प्लॉयज हैं उनकी ज्वाइनिंग हुई होगी। अब HR डिपार्टमेंट भी इतना बड़ा नहीं होता, इतना ज्यादा वो क्योंकि नहीं होता कि हर किसी यूनिवर्सिटी से पर्टिकुलर वो हर एम्प्लॉय की वेरिफिकेशन कर पाए। इन दैट केस जो HR डिपार्टमेंट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है थर्ड पार्टी कंपनी से, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन कंपनी से, जिसका काम ही होता है एम्प्लॉयज की वेरिफिकेशन करवाना। जैसे कि मान लीजिए आपको कनाडा जब जाना होता है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स की WES वेरिफिकेशन करवाते हैं। इसी तरीके से बहुत सी वेरिफिकेशन कंपनीज हैं जो कि स्टूडेंट्स की वेरिफिकेशन करने का ही काम करती हैं। तो HR डिपार्टमेंट का और थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन कंपनी का एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसके अंदर वो जैसे ही किसी एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग होती है उसके डॉक्यूमेंट वो इस थर्ड पार्टी कंपनी के पास में मेल कर देती है, भेज देती है। देन फिर इस थर्ड पार्टी कंपनी का काम होता है कि पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से या बोर्ड से उस स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना। माय फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आज भी 60-70% जो कंपनीज हैं वो डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई नहीं करती हैं, लेकिन कंपनीज अब काफी अपडेटेड हो गई हैं। जितनी भी MNC कंपनीज है, खासकर मैंने जो आपको IBM का एग्जाम्पल दिया है, इस तरह की कंपनीज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम करती हैं। और जो यूनिवर्सिटीज इन वेरिफिकेशन की रिप्लाई नहीं करती है या रिप्लाई करने में चूक करती हैं, उन यूनिवर्सिटीज को ये कंपनीज ब्लैक लिस्टेड भी कर देती हैं। आपने कई बार सुना होगा अपने साथ के एम्प्लॉयज से बात करते हुए कि डैश यूनिवर्सिटी को तो ब्लैक लिस्टेड किया हुआ है। उसके पीछे रीजन यही होता है, जब कोई यूनिवर्सिटी किसी स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए कोई रिप्लाई नहीं करती है, ना ही पॉजिटिव में रिप्लाई करती है ना ही नेगेटिव में रिप्लाई करती है, इन दैट केस वो यूनिवर्सिटी इस थर्ड पार्टी कंपनी की नेगेटिव लिस्ट में आ जाती है। इसलिए आजकल मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज जो है वो डॉक्यूमेंट्स का रिप्लाई करने लगी हैं। आशा करता हूं कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह के अपडेट्स लेकर हम आपके पास में आते रहते हैं। अगर स्टिल आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।